ब्रो से ना तैयार रहना, ये अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला है आप लोगों के लिए। ओपन है भाई, क्या मार के तो बॉक्सिंग मैच हो गया, नींद का सुती आ गई। मशीन को देख करके कितनी खुशी मिलती है भाई, जब आप एक बाइक को देखते हो ना कितनी खुशी मिलती है इस बाइक को देख करके। सब रितिका भाभी चला रहे थे, ऐसा क्यों पता नहीं क्यों कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आएगा। चेक दिस आउट यार, क्या सुंदर लगती है इसकी बॉडी। जली जली बर्नॉल लेके आया, हर गली गली शोर मेरा गूंजता है भाई। सो एमलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। इस व्लॉग की शुरुआत सेम डे में हो रही है शाम को, बिकॉज फाइनली हमारी आ चुकी है H2 गाइस। परक भाई इज हियर, परक भाई आ चुकी है हमारी H2। यस यस, हम जा रहे हैं, वही जा रहे हैं, लेट्स सी कहां कैसे। खुशी को दिन फाइनली H2 देखने के लिए मिलेगी। क्या कह रही हो, H2 देखने के लिए मिलेगी। जो तेरे है हालात वो तेरा कर्मा है ब्रो। गाइस ये देखो, और पीछे कौन है? हाँ भाई, क्या हो गया? सब सही हो गया, मतलब तू जिंदा हो, तुम हाँ, वो जिंदा है, वो ये जिंदा है। तू को पीछे क्या बैठा वर्ष? सॉरी, हम लोग फॉलोवर के हिसाब से बैठा रहे लोग। हम लोग ना कैफे में गए गाइस, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रखे थे मिलने के लिए, हर्ष और रितिका से। सब रितिका भाभी चला रहे थे, ऐसा क्यों पता नहीं क्यों कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया गाइस। फिलहाल द थिंग इज गाइस, अभी हम लोग शाम को निकल चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आधी जिंदगी बॉम्बे में ना आपकी ट्रैफिक पे निकल जाएगी, तो मेक श्योर अगर आप आ रहे हो ना तो 4-5 घंटे का ले ओवर टाइम अंडरशूट करके चलना। यहाँ पर मैंने व्लॉग एंड किया था, वहीं पर मैंने व्लॉग एडिट करा, अपलोड करा, एयरपोर्ट पे स्पीड नहीं आ रही थी। और हमारे दुष्यंत भाई गाइस, परक भाई की टीम में भी एक दुष्यंत भाई है, वो आए 2 घंटे में हमें लेने के लिए। फिर उसके बाद ही ड्रॉप्ड अस टू परक भाई, परक भाई की गाड़ी भी है नहीं, तो इसीलिए हम लोग कैब में ट्रैवल कर रहे हैं। और सोचो बॉम्बे के लोग कैब में भी हमें पहचान रहे हैं। मैं विंडो डाउन थी, एक बंदा आके बोलते बाबू भैया, मैंने तुम यहाँ। फिलहाल अभी ये पहुंच रहे हैं गाइस H2 पर। सबसे ज्यादा खुशी मेरे को H2 देखने की होगी, कांट टेल यू द हैप्पीनेस। इतने टाइम बाद जो विसल वाली साउंड होगी वो देखने के लिए मिलेगी। चलते हैं गाइस, ट्रैफिक तो आपको दिख ही रहा होगा बॉम्बे का। ओके बॉयज, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी H2 देखने के लिए। वी हैव द H2 ऑफ लक्की पाजी, व्हाट्स योर नेम ब्रो? ये चेक करो, मैंने जब इस बाइक को देखा ना, तो जिन्हें पता है उन्हें पता है भाई, द मोमेंट फ्लैश हुआ भाई, जब अपनी कर्मा अपने पास थी ना, वो सेम ऐसी थी। एंड चेक दिस आउट यार, क्या सुंदर लगती है इसकी बॉडी। ऐसा ही बता रहा हूँ गाइस, H2 की मोहब्बत, ऐसे H2 की मोहब्बत। मैंने आपको कहा था ना, आपको इस व्लॉग में H2 देखने के लिए मिलेगी, ये जो मोहब्बत है ना, कांट टेल यू द हैप्पीनेस। इस मशीन को देख करके कितनी खुशी मिलती है। कोई सी भी बाइक, मुझे पता है बीइंग अ बाइकर पीपल विल अंडरस्टैंड कि भाई जब आप एक बाइक को देखते हो ना कितनी खुशी मिलती है इस बाइक को देख करके। मैंने आपको कहा था 2 H2 में देखने के लिए इस व्लॉग में। एंड द थिंग इज गाइस, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है, तो ये अपनी H2 जैसे साउंड करेगी। भाई कैन आई स्टार्ट इट राइट? 6 महीने बाद ये कोल्ड स्टार्ट की आवाज सुनना है। और एक राउंड लेने वाला सनी लोने के बाद दूसरी फीलिंग मेरे को H2 के साथ ही आती है, वो तेरी नजरों ने किया दिल का जो हशर वाली फीलिंग। इट्स नॉट दैट लाउड, चेक करो गाइस कितनी सुंदर है भाई। गाइस एक राउंड लेकर के आ रहा हूँ हेलमेट के साथ, हम सुपर एक्साइटेड टू राइड दिस। बहुत टाइम बाद H2 चलाऊंगा। आई विश आई हैड माय मोटो व्लॉगिंग सेटअप, हम लोग जल्दी जल्दी में लाना भूल गए गाइस। कोई मैच नहीं कर सकता।
How's the condition? How do you feel? मेरी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत refined है तो प्लस इसका ब्रेकिंग भी सही है बट हाउ यू फीलिंग भाई क्रेजी मोहब्बत है भाई क्या ये लौंडे सब छोटे दिमाग से मिलता इन्हें कहता जेलेसी मारो मैं पायनियर गेम का लेगेसी मेरी है जैसे कि मोहेंजोदारो ओ भाई इतने टाइम बाद क्या मजा आता है स्टूमो चलाने में क्रेजी एक्सपीरियंस गाइस बहुत मजा आया बहुत टाइम बाद ऑल थैंक्स टू परक भाई एंड पाजी थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी भाई मजा आ गया गाइस पसीने पसीने हो गए एंड सच्ची बता रहा हूँ ये ना कुछ भी ईट नहीं करती है इफ यू विल राइड अ डुकाटी एट दिस पॉइंट ना फूक जाओगे H2S इज लाइक बीस्ट ऑफ अ मशीन एंड ये बिल्कुल भी ओवर ईट नहीं करती गाइस द बॉयज वी हैड अ लॉट ऑफ फन वी हैड ऑल द बॉयज फ्रॉम द बाइकर्स एंड कार कम्युनिटी क्रेजी लगा एकदम और परक भैया H2 हाँ अब तो मैंने पाजी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि वी आर गेटिंग द H2 100% इंशाल्लाह जल्दी हम लोगों को बाइक मिल जाएगा इस फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ से जा रहे करो यहाँ बच्चे चेक करो कॉलोनी के भाई बल्ले बल्ले सब ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े एक साइन करके जेरोक्स करवाने के लिए बोल दूंगा बिकॉज हिम्मत नहीं बची है यू नो सुबह से कितना टायर्ड है फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ललित गाइस वी आर एक्सपेक्टिंग अ फ्लाइट टुमारो कल 12 बजे की फ्लाइट कराएंगे जाएंगे ललित में मिलते हैं गाइस सीधा आप फिर से मिलेंगे तो हम लोग पहुंचे थे अपने रूम में गाइस एंड द थिंग इज आते ही सो गए थे थक गए थे अभी बज रहे हैं सुबह के 3 आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबू भैया कितनी हसल चल रही है गाइस कुछ चीज़ें चल रही हैं जो शायद मैं अभी ना बता पाऊँ बट द थिंग इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन गोइंग ऑन गाइस एंड द थिंग इज बहुत सारी चीज़ें प्लान हो चुकी हैं 18 सितंबर के लिए 18 सितंबर को जो सरप्राइज मैं आप लोगों को दूंगा ना यू विल गो क्रेजी कि बाबू भैया ने बैक एंड पे ब्रो से ना तैयार रहना ये अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला है आप लोगों के लिए फिलहाल थिंग इज गाइस H2 का सारा काम हो चुका है फाइनल एंड बॉम्बे हमारा काम खत्म होता है हम लोगों ने अपनी फ्लाइट्स करा ली है आज सुबह 6 बजे की सुबह के अभी 3 बज रहे हैं वी जस्ट वोक अप गाइस कैब बाहर आ चुकी है जा रहे हैं एयरपोर्ट यहाँ से ये चेक करो ये सब लोग भी रेडी हो चुके हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोज हमें सूरज के दर्शन हो रहे हैं आजकल सुबह और तुमने मेरी जैकेट क्यों पहन ली जो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कैमरे के पीछे मत बोला करो ये जो सब तुम्हारा वो मेरा मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ क्या तुम कैमरे के पीछे कुछ और बोलते फिर कैमरे के आगे कुछ और बोलते हंसो तो फिर टीरी में जो 4-5 दुकान है वो तो मेरी हो गई है ना ओके गाइस टीरी में मेरी 3-4 दुकान है किसी को रेंट पे चाहिए होंगी तो बताना फिलहाल अभी हम लोग यहाँ देहरादून में गई नहीं है कहाँ है देहरादून में मेरा कुछ नहीं है मेरे घर वालों का है जो कुछ है गाइस अपना तो वही होगा जो अपनी मेहनत से कमाया नहीं तो बाप के पैसे पे तो कोई भी अकड़ जाता है अपना तो गाइस अपनी मेहनत से कमा रहे हैं फिलहाल थिंग इज निकल रहे हैं यहाँ से चलते हैं क्या बात चुकी है बिल पे करते हैं और निकलते हैं फ्लाइट के लिए सिटी टू सिटी में फैन है मेरा सब भेजे मुझे ये फैंस हजारों हर जगह शोर है शोर लेन स्विच करे रात को पौने दो मेरी सोच को ना छू पाए बोने लोग मेरा काम चले रात दिन नॉन एंड नॉन मेरा एक्टिंग उतार लो मेरी कोई बात नहीं है ना ऐसा थोड़ी सोता तुम ये तो फ्लाइट भी तुम भाई तुम तो बहुत बुरा सोते हो हत्ती जब तू सो रहा था फ्लाइट में क्या अनब्लॉक तो लेट रखे थे ऐसे और मुझे बोले चल उधर निकल अब तेरे पास गोदी नहीं है ना सोने के लिए मेरी गोदी में सोया है तू प्रणव भाई की गोदी में सोता होगा ना हर्ष गाइस प्रणव भाई की गोदी में सो जाता है पता ही नहीं चलता एक दिन उनकी नाभि में फंस गया रात को फिर सतीश जी और मैं से खींच रहे रस्ती डाल करके पता नहीं कहाँ घुसा हुआ था सो हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट हम लोगों ने ना रात ही को अपना जो होटल था ना वो एयरपोर्ट के पास लिया था ऑलमोस्ट लाइक 1 किलोमीटर की रेंज में ताकि द मोमेंट वी लैंड सुबह हम लोग जल्दी से पहुंच जाए एंड मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट पे एयरपोर्ट पहुंच गए हम लोगों ने डिजी यात्रा डाउनलोड कर लिया था सबका भी लॉगिन भी करा दिया ताकि हम लोगों को चेक इन में लेट ना बिकॉज बॉम्बे एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ है वो चेक करो भाई कितनी भीड़ है डिजी यात्रा वाला कॉर्नर एकदम खाली है एंड द थिंग इज गाइस जिन भाई की कैब में हम लोग आए थे मीट क्या नाम है भाई आपका विकास विकास
विकास भाई हमारे परमानेंट बंदे हो चुके हैं बॉम्बे से गाइज। कल इन्हीं के साथ घूम रहे थे, सुबह भी इनका नंबर नंबर ले लिया था, मैंने कहा आ जाना फटाफट पिक करने के लिए। शुक्रिया भाई। सर पे बोले कहां नाम और शहर दोनों यू के साथ, YouTube पे व्यूज थे कहां, मैंने शुरू किया जब ये सब थे कहां। सतीश जी दुनिया तो पलट ही रखी है। बिल्कुल हम भी पलट जाएंगे कुछ दिनों में। नहीं गाइज हम लोग पलटाएंगे कुछ दिनों में। फिलहाल लेते हैं गाइस वी इजीली चेक इन डीजी यात्रा। मैं आपको बता देता हूँ बॉम्बे एयरपोर्ट पे इज नॉट वैलिड फॉर विस्तारा, इट्स ओनली वैलिड फॉर इंडिगो। इंडिगो कई चीज़ों में ना बहुत आगे गाइस। एंड ये चेक करो भाई, मामा बनने बोले सल्लू बन जाऊंगा। एक दिन गाइस इतनी मेहनत करनी कि सल्लू भाई के सामने ना खड़े होकर के ब्लॉग करना। ओके गाइस वी फाइनली बोर्डेड द प्लेन और आजकल हमारी जिंदगियां तो एयरपोर्ट पे ही बीत रही हैं। आज फिर से तो सूर्य देवता के नमस्कार करा देंगे। और गाइस हम जहां पर है वैसे हिल रहा है ना अभी, मेरे को वो राग नहीं आ रही है। मार के पौवा फिर मैं सोया। कैसे बीजी हो गया है रागनी में? मार के पौवा फिर मैं सो गया, नींद कसूती आ गई। ये आपने भी सुन करती है लेकिन। मार के पौवा फिर मैं सोया, नींद कसूती आ गई। पूरी टीम इतना हार्डवर्क कर रही है ना बैक एंड पे गाइज, एंड एक बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हुई है। एंड उसी के लिए गाइज हम लोग प्लान कर रहे हैं केदारनाथ जी का। जिन्हें पता है उन्हें पता है कि किस बारे में बात कर रहा हूँ। There are big things. मैं बोल रहा हूँ अभी बता नहीं सकता, बट बहुत बड़ी बड़ी चीज है गाइस। अगले बार मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हाँ, इसलिए हम दोनों चलेंगे। गाइस वी फाइनली बोर्डेड द प्लेन एंड थिंग इज हम दोनों यहाँ पर बैठे। हर्ष चेक करो गाइस यहाँ बैठे, सतीश जी वहाँ पर बैठे। लेन ऑलमोस्ट पीछे से पूरा खाली था और कितने सारे लोग देहरादून जा रहे हैं और तुम ये लेके बैठी हो। ये मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है, मैं भी नहीं हूँ तुम्हारा। फिर बताओ जो तुम ये कर रहे हो गए ना, बोलती बंद हो गई। तुम्हारे बोलने से हो रहे हैं क्या कुछ? तो तुम्हारे बोलने से हो रहा है क्या? तो मेरे बोलने से ही हो रहा है। जैकेट भी मेरी, जो मेरा है वो मेरा है, ठीक है ना। बोल के तो किसी का कुछ नहीं होता, जस्टिफाई करना पड़ता है। इतना तीतर बनने की कोशिश करती है ना गाइस सच्ची में। डोंट ट्राई टू बी डोमिनेटिंग। तुम्हारी बातें बताओ मैं? हाँ बताओ बताओ। बस मैं छिपा कि अपनी बातें बाहर नहीं बताती। ये तो वही बात हो गई, कुछ बात करने के लिए नहीं कि भाई तू तू बुरा है। क्यों बुरा है? अभी डांटा तुमने मेरे को थोड़ी देर। हाँ तो डांट तो खाएगी गाइस। मतलब के हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई और स्नैप चल रही है, रील चल रही है। झूठ। और ऋतिका का आईडी तो प्राइवेट है। नॉट ओनली दिस गाइस, मेरे एयरपॉड्स प्रो भी खो दिए, वो भी पता नहीं कहाँ खो दिए सच्ची में। मतलब कुछ भी से वापस नहीं आया वो। कुछ भी सेंस नहीं कि चीजें कहाँ रखती हूँ, कैसे मैनेज करना है। कसम संराग कितना झूठ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ ऋतिका चौहान, आई स्वेयर मेरे पास तो, मैं आपको से बता रहा हूँ, आई रियली डोंट हैव टाइम कि मैं सो सकूं। पहले मैं भव्या पे भरोसा करता था कि भव्या सामान संभाल के रखती है। ये हर्ष के हैं। तुम दुबई से नहीं लेके आए हो? अब तो बोलने के लिए कोई बात नहीं, नए ले आएंगे। बट पहले मुझे ऐसा लगता था कि भव्या ही रिस्पॉन्सिबल है, फिर मैं मिला ऋतिका चौहान से। चौहान चौहान दोनों बहने बहने। मैं चौहान तो नहीं हूँ। तुम चौहान नहीं हो? क्या हो? मैं जो आगे होंगी वो। क्या हो? क्या हो बताओ ना, व्लॉग चल रहा है, क्या हो? इतना मजा आता है ना गाइस इसे छेड़ने में। फिलहाल अभी उड़ते हैं गाइस, चलो चले। गाइस आज सुबह सुबह हम लोग जगे रहे एंड ये चेक करो भाई, यहाँ चेक करो ना, कितना सुंदर लग रहे हैं ना। चेक दिस आउट, कितना सुंदर लग रहे हैं। मैं हूँ आगे मारू, आगे मारू नहीं होता, नहीं चलता बड़ी का गाड़ी हो। यार कितना सुंदर है भाई, दिस इज अ मोमेंट टू कैप्चर। यार ऐसे होते हैं क्या बादल? सो हम लोग जी बैक टू देहरादून गाइस, यूके साथ से हम लोग पहुंच चुके हैं। फिलहाल समीर आ चुके हैं गाइस। आज मैंने समीर को बोला अंदर मत आइए जब तक हम लोग बाहर नहीं पहुँचते, नहीं तो फिर से 500 रुपये का चलान भरना पड़ेगा। आ चुका है वो बाहर, फटाफट फटाफट घर जाएंगे, मम्मी से मिलेंगे, गुड न्यूज़ देंगे H2 की। चलते हैं घर। सर पे बोले कहां नाम और शहर दोनों यू के साथ, YouTube पे व्यूज थे कहां, मैंने शुरू किया जब ये सब थे कहां। सर पे बोले कहां नाम और